प्यारे बच्चों, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड, देखिए बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। और ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कंसंट्रेट हो करके जरा न्यूमेरिकल को देखिए और घर पर प्रैक्टिस करिए। चलिए ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी, इसका मतलब क्या है? एक ट्राइंगल एबीसी है तो हम लोग क्या करें, ट्राइंगल एबीसी को ड्रॉ कर लें। चलिए देखिए, ये आपका ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ हो गया। चलिए, ये है ए और ये बी एंड दिस इज योर सी। चलिए ठीक है। इसके बाद कह रहा है, देखिए मैं बार बार कहूंगा आपसे कि सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, तो गिवन में आप ये लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद कह रहा है एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो आप एडी जो है बी सी पर क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए इसके बाद क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात गिवन में, AD square इक्वल टू BD इंटू CD। जरा ध्यान दीजिए, BD इंटू CD। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, तो देखिए ये इधर देखिए BAC, ये इसको 90 प्रूफ करना है, इसको हम लोगों को, हम 90 बना रहे हैं, देखिए 90 बनाने का यही साइन है, बट ये 90 अभी है नहीं, प्रूफ करना है। तो अब हम लोग क्या करें, प्रूफ कर दें, ध्यान दीजिए। तो प्रूफ करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। देखिए ये जो एंगल BAC है, ये टू पार्ट में डिवाइडेड है, तो एक पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट ये है। देखिए हम चाहते हैं, ध्यान दीजिए कि जो है इसको एंगल वन सपोज कर लिया जाए और इन इसको एंगल टू, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा। देखिए एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल वन, देखिए, और एंगल CAD इक्वल टू एंगल टू। बस ये हम सपोज आसानी के लिए हम लोगों ने कर लिया। चलिए देखिए एक्चुअल में क्या है, यहां पर ये जो एंगल ए है टू पार्ट में डिवाइडेड है, यहां पर एंगल बी को डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, यहां एंगल सी को भी डायरेक्ट लिख लेंगे, यहां एंगल डी जो है ये तो दोनों जो है देखिए इधर भी 90 डिग्री बना ही है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं आप, चलिए समझ गए होंगे, तो इसलिए सपोज कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अब जरा देखिए ये जो है, इस ये जो आपका न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए सिर्फ ये 90 और ये 90 बस, और कुछ गिवन, सिर्फ एक चीज और गिवन है, जो कि मैं कई बार कहा हूं कि गिवन ही आपका जो न्यूमेरिकल का जान होता है। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, बीडी अपान एडी। देखिए आप थोड़ा भी घबराइए नहीं, इक्वल टू, मान लीजिए यहां पर एडी अपान सीडी, ये अगर लिख लेते हैं आप, देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए ना, एडी इंटू एडी, एडी स्क्वायर बीडी इंटू सीडी हो तो गया, मान ली, देखिए बात को सब, जब आपका देखिए वन आइटम टू आइटम और ये टू आइटम स्क्वायर है ना, तो एडी इंटू एडी चार आइटम है, तो उसको रेशियो समझ लीजिए, समझिए पूरे लाइफ के लिए, कि ऐसे जो है इस तरह कहीं भी गिवन रहेगा तो हम लोग उसको रेशियो के रूप में लिख लेंगे,
हाँ ठीक है, कोई बच्चा ये कर सकता है, कहेगा कि सर हम मान लीजिए एडी पहले लिखे होते, मान लीजिए एडी पहले लिखे होते और यहाँ भी ईडी लिख देते, इक्वल टू सपोज करिए यहाँ पर सीडी लिख देते और यहाँ नीचे एडी लिख देते, तभी भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी, तभी आता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी करिए उसको रेशियो के रूप में लिख लीजिए। तो जब हमने रेशियो के रूप में लिख लिया तो देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, रेशियो के रूप में लिखने से हमारा बहुत काम बनेगा, क्योंकि एक सिमिलरिटी का ये जो है क्राइटेरिया होता है कि दो साइड अगर रेशियो में हो और एक एंगल भी अगर इक्वल कर ले तो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। ये बात क्यों नहीं समझते हैं, यस ए यस, यस ए यस सिमिलरिटी। तो जरा इसको हम लोग फिगर में लेके आवे, बीडी अपॉन एडी क्या है, देखिए बीडी, देखिए ध्यान दीजिए, बीडी अपॉन एडी, ये कोई बात, देखिए कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एडी अपॉन, इसका मतलब ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का ये दोनों साइड्स हैं। देखिए आप तनिक भी घबराइए मत, मतलब ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के ये साइड्स हैं, बात समझिए। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर भाई देखिए एक्चुअल में बीडी का रेशियो एडी से है, तो क्या हुआ, ये जो है इस ट्राइंगल का भी साइड है एडी और इस ट्राइंगल का भी साइड है एडी, तो क्या हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस ट्राइंगल का जो है देखिए एडी और सीडी, तो बात को समझिए, बीडी ये जो बीडी है अपान एडी और फिर जो है एडी अपान सीडी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रेशियो है ना, घबराइए नहीं। चलिए पहले जो है आप ये अब क्या करेंगे, ट्राइंगल बीडी, देखिए ध्यान दीजिए, ट्राइंगल बीडीए एंड ट्राइंगल क्या सीडीए, ट्राइंगल सीडीए, देखिए ध्यान दीजिए बहुत इजी बात है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बात को समझिए, और हम लोग एक ये रेशियो प्रूफ कर चुके हैं, बी डी अपान ए डी इक्वल टू ए डी अपान सी डी, ये देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए इस ट्राइंगल का टू साइड का रेशियो इस ट्राइंगल के टू साइड के रेशियो के इक्वल है और एक एंगल भी मैंने इक्वल कर लिया। इसका मतलब फिर से मैं बता दूं आपको, ये जो है देखिए ये जो है सांप ट्राइंगल, ये जो है आपका ये जो सांप ट्राइंगल है, देखिए इसमें जो है तमाम जो है स्नेक हैं, और ये आपका चाउमीन ट्राइंगल, ये आपका क्या है चाउमीन ट्राइंगल। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, इसका मतलब यहां हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल बीडीए सिमिलर ट्राइंगल सीडीए। अच्छा रीजन भी लिखना पड़ेगा, यस से यस सिमिलरिटी, यस ए यस सिमिलरिटी, बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको, यस ए यस सिमिलरिटी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, जो है ये ट्राइंगल और ये छोटा वाला दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए। तो ठीक है, अगर सिमिलर हो गए तो ध्यान दीजिए, एक्चुअल में आपको यही ध्यान देना है कि जो है
ये जो एंगल होगा एंगल बी भाई, अरे भाई सिमिलर हो गए तो इसका जो है एंगल इक्वल होंगे ना। सिमिलर ट्रायंगल में जो रिमेनिंग आइटम है, जो रिमेनिंग एंगल्स है वो इक्वल होंगे। तो देखिए ये एंगल, ये मान लीजिए ये स्फीयर वाला एंगल है, यही बात समझना है। ये जो है ये एंगल टू है, इस एंगल टू इसी इसके इक्वल होगा अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो। एक्चुअल में आप रेशियो को ध्यान दीजिए, और रेशियो को जब ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। और जो एंगल सी है, जो एंगल सी है जिसको हम क्रॉस से डिनोट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एंगल वन के इक्वल होगा। देखिए यहां पर हम जो है यहां पर ये देखिए इसके इक्वल होगा। आप इस रेशियो को देख करके दूसरा फिगर बनाइए और बना करके इसको समझिए। तो ये जो है ये थोड़ा सा इसी बात को समझना है आपको। तो देखिए इसका मतलब एंगल बी, एंगल यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल टू, ध्यान दीजिए, और एंगल सी इक्वल टू एंगल वन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू, ध्यान दीजिए भाई, अरे भाई ये इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखिए अगर ये दोनों बात आप समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, तो देखिए ये दोनों ऐड हो गए, फिर ये दोनों ऐड हो गए। अब बताइए एंगल वन प्लस एंगल टू के प्लेस पर हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं टोटल, तो ये हो गया आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। देखिए अब चूंकि यहां इसको हम लोग यहां ट्रांसफर कर ले, देखिए हमारा क्या आ गया है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ध्यान दीजिए। अब हम देखिए इससे अगर यहां पर थोड़ा भी देखिए एंगल ए, एंगल ए बी प्लस सी के इक्वल होगा, लेकिन इससे भी हमारा कोई काम बनने वाला तो है नहीं। थोड़ा सा यहां माइंड दौड़ाइए, थोड़ा सा यहां माइंड दौड़ाइए, इससे यहां तक तो आप एकदम कंफर्म है, जो है निश्चित रूप से सीख गए होंगे मैंने किया क्या बता दें। इससे मैं ये प्राप्त कर लिया, और इसके बाद जो है दोनों ये जो है ये आपका जो सांप ट्रायंगल और चाउमीन ट्रायंगल, इसमें देखिए ये और ये दोनों 90-90 के हैं। तो देखिए ये रेशियो इस दोनों ट्रायंगल का है, तो ये रेशियो और इस एंगल से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर लिया, अरे भाई सिमिलर। और जब सिमिलर हो गया तो जो रिमेनिंग एंगल है उसको हम लोग इक्वल लिखने का राइट रखते हैं। तो एंगल बी जो होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा देखिए जो ये एंगल सी है एंगल वन के इक्वल होगा, तो ये हमने लिख दिया यहाँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया। तो एंगल वन और टू के जगह पर देखिए वन एंड टू के जगह पर एंगल ए लिख दिया, तो एंगल ए इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहां इसको यहां ट्रांसफर किया, अब जरा यहीं पर सोचना है कि कैसे जो है ये एंगल ए 90 प्रूफ होगा। इसका मतलब देखिए यहां बी प्लस सी है ना, अगर इधर ए प्लस एक एंगल ए भी और होता तो आपको 180 लिखने का राइट होता, बोलिए फिर नहीं बोल रहे आप लोग।
अरे भाई अगर इधर एंगल ये होता तो आपका ये 180 हो जाता कि नहीं हो जाता, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ, आपको आपका जो है नॉलेज ही आपको कैच कराएगा। तो क्या करिए, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू ए, देखिए हम दोनों साइड एंगल ए ऐड कर रहे हैं, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। देखिए क्या क्या यहां पर चालाकी हुई, बी प्लस सी की वैल्यू हमें नहीं मालूम था, प्लस बट एंगल ए अगर आपने ऐड कर दिया तो ये कितने का होगा, 180 का। तो देखिए 2 एंगल A इक्वल टू 180, तो एंगल A इक्वल टू 180/2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से देखिए प्रूफ हो गया। देखिए यहां पर दो बातें आपको ध्यान देनी है, एक तो ये लिखते समय और दूसरा यहां जब जाएंगे आप, यहां जाएंगे तो आप कहीं भी कुछ भी देखिए गिवेन का यूज कर चुके हैं, गिवेन का यूज करके यहां तक पहुंच चुके हैं आप, अब अपने नॉलेज को यहां पर थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा कि b प्लस सी इक्वल टू ए। अच्छा एक बात और भी है, b प्लस सी अगर ये 90 होता पहले से प्रूफ मान लीजिए तो ये भी 90 लिखने का राइट होता, बट हम लोग को पता नहीं है, ए का ही तो वैल्यू निकालना है, इसलिए मैंने यहां पर ए प्लस किया और इधर भी ए प्लस कर दिया, तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब हम लोग 180 लिखने का राइट रखते हैं, तो देखिए 2 इधर 2a हो गया, तो 2a इक्वल टू 180। तो अब आप समझ गए होंगे, तो इस तरह से बात को समझिए। हाँ यहां पर जो है, मैं बार बार इसको क्यों इंडिकेट कर रहा हूं कि इस ट्रायंगल को अलग अलग बना लीजिएगा इस रेशियो के अनुसार, फिर अलग अलग बना के आप इसको देखिए कि वास्तव में ये एंगल इसके क्यों जो है करिस्पॉन्डिंग है और ये एंगल इसके करिस्पॉन्डिंग। बात को समझिए, ये बात समझिए, और ये तो सीधा भी है, देखिए थोड़ा सा आप बना लीजिएगा, बट ये बताइए तीन ही है, ये जो है सांप ट्रायंगल और चाउमीन ट्रायंगल में तीन ही है एंगल है, तो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो ही गया, बचा ये और ये एंगल, तो बताइए क्या ये एंगल, जरा ध्यान दीजिएगा ये एंगल भाई, अरे भाई थोड़ा सा समझिए, ये एंगल या तो इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा। तो जब आप क्लियर थोड़ा भी सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो है एडी के साथ ये एंगल बना हुआ है और एसी के साथ बना हुआ है, तो हमारा जो है एडी, और देखिए एडी एडी जो है ना, ये एडी है, और इसके बाद जो है मतलब इस ट्रायंगल को आपको, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग बना लीजिए, इसको अलग बना लीजिए, तो अब बताइए मेरा ये कहना है ये वाला एंगल इसी के इक्वल होगा भाई, और जो ये वाला एंगल है ये वाला इसके इक्वल होगा, बस। तो इस तरह आप जब बताए तो ट्रायंगल को अलग करके और इसको जो है ये जो दो लाइन है आप क्लियर कर लीजिए। ये जान लीजिए, पहली बात सुन लीजिए, ये एंगल किसी भी कंडीशन पर इसके इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो जब ये एंगल इसके इक्वल होगा ही नहीं, बात समझिए, अरे भाई ये इसके इक्वल होगा ही नहीं, तो ये एंगल इसी के तो इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा भाई, उस ट्रायंगल की बात को समझिए। चलिए ठीक है, वीडियो का ये पार्ट जो है हमारा समाप्त होता है, और जो अगला न्यूमेरिकल है अगले वीडियो में हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। इस पार्ट में बस इतना ही, धन्यवाद।